बताने की जरूरत नहीं क्या होने वाला है, और रिकॉर्ड सारे टूटेंगे जितने लोग सोच रहे थे कि ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। हाइप नहीं है, हाइप पठान के टाइम से ही शाहरुख खान की बन चुकी है और बनाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तरण आदर्श कहते हैं डंकी की एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऑडियंस डंकी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं जो डंकी ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो आज से पहले जवाल और पठान ने भी नहीं बनाए थे। इस बार डंकी पूरी दुनिया में नंबर वन बनेगी और एडवांस बुकिंग 15 करोड़ से भी ज्यादा की आ रही है। और 8 दिन पहले अगर ये रिकॉर्ड बना है तो जब मूवी रिलीज होगी और प्रॉपरली एडवांस बुकिंग शुरू होगी तब क्या होगा, मचेक वही लोग राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन से अच्छी तरह वाकिफ है। लोगों को पता है कि राजकुमार हिरानी की मूवीज का स्कोप कितना बड़ा है और आज से पहले राजकुमार हिरानी ने जो भी मूवीज बनाई है वो कामयाब हुई है। इस बार तो बहुत बड़े एक्टर शाहरुख खान के साथ मूवी बनाई है तो कितना बड़ा बवाल मचेगा। दोस्तों शाहरुख खान का मुकाबला करना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने एक साल में 3 मूवीज देने का वादा पूरा किया है। कहानी पठान से शुरू हुई थी और डंकी पर खत्म होगी, और ऐसा ही डायलॉग आपको डंकी में भी सुनने को मिलता है। कहानी मैंने शुरू की थी और खत्म भी मैं ही करूंगा। इस बार शाहरुख खान पठान से जो रिकॉर्ड बनाए वो डंकी उसका भी जवाब देगी और पूरी दुनिया में नंबर वन मूवी बनकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। SRK को टक्कर देना हर किसी के बस की बात नहीं। आपने ये चीज देखी होगी कि जब टाइगर आई थी तो हर कोई ये बात बोल रहा था कि अब पठान का रिकॉर्ड खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टाइगर ने जवाल और पठान दोनों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और वो इतना नहीं कमा पाई जितना शाहरुख खान की एक मूवी पूरी दुनिया से कमाती है। इस बार मुकाबला प्रभास और SRK का है, उसमें भी शाहरुख खान नंबर वन बनेंगे और सारे रिकॉर्ड दोबारा तोड़ेंगे। शाहरुख खान वो एक्टर है जिन्होंने एक साल में 2 पहले ही सुपर हिट मूवीज दे दी है, और डंकी भी शाहरुख खान की मूवी है तो वो भी सुपर हिट ही होगी। इस बार 3000 करोड़ शाहरुख खान एक साल में कमाकर इंडिया के सबसे खतरनाक एक्टर बन गए हैं, और ये जो रिकॉर्ड है वो किसी के लिए कोई साधारण रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ शाहरुख खान ही बनाते हैं और उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। और उसी के साथ जो डंकी का क्रेज है उसको देखने के बाद लगता है डंकी भी 1000 करोड़ कमा लेगी, क्योंकि अब जो डायरेक्टर जो एक्टर आ रहे हैं वो दोनों खतरनाक है। राजकुमार हिरानी की मूवीज को पूरी दुनिया पसंद करती है और उनका सक्सेस रेट प्रशांत नील से भी ज्यादा है, और इस बार डंकी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों सच बताना, आपको डंकी का ट्रेलर कितना पसंद आया और आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो? अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सपोर्ट करो ताकि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और हम आपके लिए ऐसे ही डंकी की सारी अपडेट लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना और हमें सपोर्ट भी करना। धन्यवाद।